दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ISM फाइल जो होता है हमारा, जो डिजन फाइल होता है, उसका यूज़ करके हम कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे रेबिट में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई टेम्पलेट ले लेते हैं, आर्किटेक्चर टेम्पलेट ले लेते हैं पहले। उसके बाद हमें इसमें ISM फाइल के लिए या डिजन फाइल के लिए हमें पेंटले का एक प्लगइन चाहिए होगा, जो हमारा आएगा यहाँ पे बेंटले क्लाइंट कनेक्शन के नाम से। तो प्लगइन ऐड करने के बाद उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे न्यू फॉर्म ऑफ रेस्ट पायरेटरी में, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमें वो फाइल सिलेक्ट करना होगा, वो फाइल जहाँ पे भी होगा हमारा, जिसमें सिलेक्ट ISM रेस्पायरेटरी पाथ में, तो इस डॉट पर क्लिक करेंगे। डॉट पर क्लिक करने के बाद जो फाइल हमारा जहाँ पे सेव है, हम उसे ओपन कर लेते हैं। मैंने किया है ये रहा, तो ये हमने फाइल सिलेक्ट कर लिया, अब इसे हम ओपन करते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रव्यू दिखाएगा, प्रीव्यू दिखाएगा, थोड़ा लोड लेगा, हम नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये विंडोज़ ओपन होंगी। इन विंडोज़ में जो हमारा ये जो मॉडल है, ISM फोल्डर जो हमारा है, वो इस तरह का मॉडल है। ये रेबिट में बनाएंगे हम इसको। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, अब जो भी हमारे पास इसमें एलिमेंट्स हैं, जो डिजन फाइल में एलिमेंट्स हैं इसके, इनको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सबको, सिलेक्ट ऑल, सारे सिलेक्ट हो गए। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, अपडेट कहीं पर होगा, उस पर अपडेट कर देंगे, मेरा अपडेट, तो उस पर हम क्लिक कर देंगे अपडेट। अपडेट होने के बाद प्रोसेस लेगा, और प्रोसेस लेने के बाद जितने भी इसके मटेरियल्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इनको हमें चेक करना होता है, ऐसे ग्रीन टिक में शो करना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम मैच ऑल करेंगे। मैच ऑल में हमारे पास ये ध्यान रखना है, ये तीनों पैरामीटर होने चाहिए। तो मैच ऑल करके ओके दबाएंगे। ओके दबाने के बाद हमारे पास ये ओके हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि इनमें कुछ मैच नहीं हो पाते हैं, तो उसको हमें यहाँ पे वो शो करेगा, उसको हमें मैन्युअली करना पड़ता है, वो इस जगह पे शो होता है। तो इसमें हमारा सारा मैच हो गया। मैच ऑल करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे, तो अभी हमारा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा इंपोर्ट फिनिश हो गया, फिनिश पे क्लिक करते हैं। अब हमारा जो मॉडल है वो यहाँ पे आ जाएगा। कुछ एलिमेंट्स अनजॉइंड हो सकते हैं, कुछ अपने पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो हम बाद में फिक्स भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें भी फिलहाल अनजॉइंट एलिमेंट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब हम चलते हैं 3D में। 3D पर क्लिक किया, ये हमारा TGN फाइल और ये ISM फाइल जो हमारा होता है, उससे हमारे मॉडल रैबिट में बन गया। तो इसको एक बार रियलिस्टिक कर लेते हैं, तो ये देख सकते हैं हमारा ये मॉडल तैयार हो गया।